आएंगे। आज जो लोग किसानों का घर बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कह रहे हैं ना, ये किसानों का आंदोलन है जी, बहुत अच्छा बिल है जी, बहुत अच्छा बिल। जिन लोगों ने कभी धनिया नहीं बोया है वो अलग किसानों का बिल पास कर दिए हैं। हम हटने के ना चाहे आर पार हो जाए मामला, कह रहा ये फायदा है, फायदे वाली चीज तो अपने पास रखो। जनता को तो परेशानी होगी तो फिर तो सुनाई होगी, पता लगेगा नहीं मोदी साहब को भी हाँ किसान कोई चीज है। वो चीज हमें चाहिए ही नहीं, वो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है जी। आप हमारे लिए खीर लेके आयो काजू बादाम डाल के, लेकिन हमें नहीं चाहिए खीर भाई, हमारा पेट भरा हुआ, हमें नहीं आपकी खीर चाहिए, तो क्यों हमें खिलाना चाहते हो आप? केवल भड़काया जा रहा है, पूरा सीज कट जावे हमारा, है भूखे मर जाए, रोड पे मर जाए, हम अपना और रेट पूरा सही नहीं। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं अभी हूं NH24 पर, NH24 जो यूपी और दिल्ली को जोड़ता है। यूपी के लोग, बिहार के लोग, यूपी के दर्जनों शहरों के लोग इसी NH24 से दिल्ली जाते हैं। कल से किसानों ने NH24 को जाम कर रखा है। पीछे तस्वीरें आप देख पाएंगे, किसान सड़कों पर बैठे। ये वो किसान हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए हैं। मेरी कल रात से जिज्ञासा थी ये जानने की कि क्या किसान रात भर सड़क पर बैठे रहे, क्योंकि यहाँ किसानों के रुकने का वैसा इंतजाम नहीं था जैसा टिकरी बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पर है। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैं करीब करीब सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा खुले आसमान के नीचे किसान, बहुत सारे किसान खुले आसमान के नीचे कंबल और रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं। कुछ किसानों ने अपने इंतजाम किए, तिरपाल लगा उसके नीचे कुछ किसान सो रहे। तो ये वो किसान हैं जो तय करके आए हैं, किसी भी सूरत में अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो हटेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे। उनकी तमाम तरह की आशंकाएं हैं, कानून के प्रावधान को लेकर, MSP की गारंटी न होने को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, बिचौलियों की भूमिका खत्म करने का दावा या वादा सरकार कर रही है। किसानों की आशंकाएं हैं कि बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने आ जाएंगे, भंडारण करेंगे, उनकी फसलें औने पौने दामों में खरीदी जाएगी। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी समेत उनके तमाम लोग कहते हैं किसानों के लिए बाजार खुलेगा, किसान अपनी फसल, पंजाब का किसान यूपी में, यूपी का किसान कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बेच पाएगा। लेकिन जिन किसानों से मैंने बात की है, जरा उन किसानों को सुनिए और समझिए कि जिन किसानों की फसल 2-3-4 एकड़ में होती है, वो छोटे किसान जो ज्यादातर देश में बड़ी आबादी वैसे किसानों की, वो किसान बाजपुर से निकलकर, शामली से निकलकर, मुजफ्फरपुर से निकलकर, जब वहाँ फसल वो बहुत कम कीमत पर, आधी चौथाई कीमत पर बेचने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें MSP नहीं मिलता, देश में सिर्फ 6% किसान MSP पर अपनी फसल बेच पाते, फिर वो किसान बाजपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, काशीपुर, वहां से निकलकर कहां जाएंगे बेचने? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों में डर है, आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं। उन आशंकाओं और चिंताओं को लेकर किसान संगठनों की बैठक कल भी हुई सरकार के साथ, लेकिन वो बैठक घंटों की बैठक करीब करीब बेनतीजा है। हाँ ये जरूर है कि सरकार कम से कम बातचीत के लिए टेबल तक आई है। ये वो सरकार है जो दो महीने से किसानों के आक्रोश, किसानों के गुस्से, किसानों की मांग को नजरअंदाज कर चैन से थी कि हमने किसी भी ढंग से, सरकार ने दोनों सदनों में इस कानून को पास करा लिया, अब देश में कानून बन गया, अगर कुछ किसान विरोध करते हैं फर्क क्या। लेकिन नहीं, अब किसानों का यह विरोध प्रदर्शन, ये धरना या आक्रोश सरकार को जगाने का काम कर रहा है। सुबह का वक्त था, कैमरामैन मेरे पास नहीं था, तो अभी मेरा कैमरा भी एक किसान कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रसपाल सिंह जी। जसपाल सिंह, रसपाल सिंह, रसपाल सिंह जी, उनके हाथ में मेरा कैमरा है। कहाँ के रहने वाले हैं? चांदरा फार्म, अमरोहा जिला। अमरोहा जिला के हैं, ये भी किसान हैं। मैंने उनको ही अपना कैमरा दिया कि कैमरा का काम वो करें, और ये जो पीछे बैठे हैं और जो किसानों के बयान बाइट मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो उनकी तकलीफ आप सुनेंगे, वो अन्नदाता हैं जो अपनी खेतों में फसल उगाते हैं, चावल, गेहूँ, चना, दालें, और वो अनाज हमारे और आपके घरों तक आता है। आज वो अन्नदाता, वो किसान परेशान है, डरे हुए हैं, बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। हर आरोप और हर सवाल का जवाब
किसानों ने खुद दिया है। अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो में आप किसानों की जुबानी, उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा ये वो किसान हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपनी आशंकाओं से मुकाबले के लिए। लेकिन इन्हीं किसानों को कहा जा रहा है, इन्हें भरमाया जा रहा है, इन्हें अफवाह फैलाकर इन्हें भड़काया जा रहा है, इनके पीछे साजिशें, इनके पीछे विदेशी ताकतें, ऐसी बातें भी कह दी गई। इन किसानों के चेहरों को गौर से देख लीजिए, 70-80 साल के बुजुर्ग भी हैं जो खुले आसमान के नीचे कंबल और रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, और वो कह रहे हैं अगर 3 महीने सोना पड़े तो भी सोएंगे। तो इन सब किसानों को दोस्तों आप खुद सुनिए। हर रोज मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग इलाकों में किसानों की बात, आवाजें आप तक पहुंचाऊं। एक मुश्किल ये भी है, ये भी सवाल मैंने पूछा कि अगर आप ऐसे हर जगह चक्का जाम, सड़क जाम करेंगे तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी, आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी, दिल्ली में रसद, पानी, दूध, सब्जियां आनी बंद होगी, उससे जनता परेशान होगी। तो इसका भी जवाब किसानों ने ही दिया, क्या दिया वो भी सुनिए। तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को सुनिए, और शुक्रिया आपका, क्योंकि जो कैमरा कर रहे हैं वो भी किसान हैं, आज हमारे सहयोगी के तौर पर हैं। अब आप वीडियो सुनिए अगले कुछ मिनट तक। ये खुले आसमान के नीचे किसान सो रहे हैं, जिसमें ये बुजुर्ग भी हैं। ये देखिए एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं अभी सुबह सुबह ठंड में। क्या नाम है आपका? कर्मजीत। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से, धर्मरा मंडी से। अमरोहा से आए, कब आए यहाँ आप? 2 बजे रात को। 2 बजे रात को, हाँ। तो क्या करने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? सोच कर ये हम रेट अपने फसलों का दाम सही रहेंगे, ये कम करने को चाहते हैं, प्राइवेट डाउन कर दिया, हाँ। हम अपने गवर्नमेंट खरीद करेगी फिर हमारे रेट अच्छे लगेंगे। लेकिन सरकार ने तो कृषि कानून, 3 कानून लागू कर दिए, किसानों के हित में यही है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बंद करा के चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। कैसे करेंगे आप? जब हम रोडों पर बैठेंगे, ठंड में बैठेंगे, कोई ना कोई तो सुनेगी हमारी। तो ये बताइए, यहाँ ऐसे खुले आसमान में ठंड में, पीछे देख रहा हूँ वो बहुत सारे लोग ऐसे सो रहे हैं वहाँ पे, पूरी रात ऐसे लोग सोए हैं, तो कब तक इस तरह से प्रदर्शन करेंगे अगर ये लंबा चल गया 2 महीने? हम हटने के ना चाहे, आर पार हो जाए मामला, मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगर सरकार 4-5 महीने चाहे साल लग जाए, चाहे साल लग जाए, हम हटने के लिए काम से। जब हमारे पे कुछ कर नहीं रहा, हम तो भूखे तो मर रहे हैं, हमारे हम तो इसी यहीं बैठेंगे। तो क्या चाहते हैं आप, क्यों लग रहा है सरकार नहीं सुन रही है? हैंकड़ी में, हम अपनी हैंकड़ी में है बाप, वो कहीं का ना कहीं जाके बैठ गया, कोई आई ना रहा, सुनी ना रहा कोई। नहीं, मीटिंग तो हुई है, कल भी हुई है किसान नेताओं से, लेकिन अभी कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सरकार अभी हाँ नहीं कर रही। हाँ, यहाँ से हटने वाले ना जब तक हमारी बात सुनेगा ना कोई, हम किसी को कहने के कुछ ना किसी पे तोड़ फोड़ करें, हम रोड पे ही बैठना है, रोड ही जाम करने है हमने, चाहे कितने दिन भी यहाँ बैठना, चाहे हमें साल लग जाए यार, इसी में तो कोई बात ना। आप क्या करते हो वहाँ अमरोहा में, किस चीज की खेती करते हो? हम खेती गन्ने की, इसकी मूंजी की, गेहूं की। कितनी उम्र है आपकी? हमारी हैगी 64 साल। तो अभी यहाँ ठंड होगी, कोरोना ठंड तो ठंड ठुंडा लगती हमें, आप उतने दिखा लो, एक ट्रॉली है, ट्रॉली है, ट्रॉली मंगवाओ, हम एक आदमी और लगे कंधे पे, चाहे पूरी दिल्ली में गेड़ा दबा लो। ये देखिए बुलंद हौसला इनका, हाँ। कि एक कंधे पर लेकर किसी को पूरी दिल्ली घुमा देंगे, हाँ। ट्रॉली इंजन को, ट्रॉली इंजन को, हाँ। जो 1.5-2 क्विंटल का होता लगभग। अच्छा, हाँ। 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल आप कंधे? अरे हमारे करे हो या काम? अच्छा, हाँ, देखना तो मंगवा लियो, देख लियो कते ऐसे ना कहे बुड्ढा है, आओ पैटारी है, हाँ। अबे चाहे एक शादी और कर दे, वो भी पा रहा है मामला। तो जब किसानों का हौसला ऐसा हो तो समझिए सरकार के लिए इस बार बहुत बड़ी मुसीबत है। जिस तरह से सरकार ने सोचा था, मोदी सरकार ने, कि जैसे तैसे राज्यसभा में कानून पास हो जाएगा, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके राज्यसभा में वोटिंग के बगैर ध्वनिमत से कानून पास करेगी, किसान देश के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट प्रदर्शन करेंगे भी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और आखिरकार वो कानून बन जाएगा,
सरकार लगातार कह रही थी कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। ये कुछ किसान हैं जिन्हें भड़काया गया है, खालिस्तान तक कहा गया कि इसमें खालिस्तानी हैं। एक हरियाणा के मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये चीन और पाकिस्तान की शह पर किया जा रहा है, विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं। अब जरा इन चेहरों को पहचानिए, ये बुजुर्ग हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं, उत्तराखंड। हमारी कोई मांग ना खालिस्तान की, हमारी तो सिर्फ जो मैंने एससी लगाई है ना, ये तड़वाड़ी है, रेट गवर्नमेंट खरीदे, फसल हमारी गवर्नमेंट खरीदे, अच्छे रेट में कोई भी रेट लगा, हमें कौन पूछेगा, हमें दिख रहा है। वो पहले जमाने ना पढ़ा लिखा हुआ जमाना, अब हर आदमी को पता चल लेना, आँख खुल गई आँख भी है तो आगे को हमें बहुत परेशानी पड़ेगी। और लोगों से बात करते हैं। जी जी, आप हम आए लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से अमरजीत सिंह आए हैं। जगतपुर सगापुर से आए हम। और आपको फिर से बता दूं, सुबह 5 बजे का वक्त है। हाँ, ये जरा 5 बजे का वक्त है और इस तरह से यहाँ किसान और ज्यादातर किसान ये सब 60-70 साल के हैं। और मैं ये चेहरे जानबूझकर आपको दिखाता हूँ दर्शकों, क्योंकि ये वही किसान हैं जो ज़मीन से चावल, गेहूं, चना और दुनिया भर की फसल उगाते हैं। और ये किसान यूं सड़क पर आज खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, लेट रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इन्हें लगता है कि सरकार ने एक तरफा फैसला कर दिया और फैसला इनके माथे पर थोप दिया। और जब ये कह रहे हैं कि MSP की गारंटी दो, लिखित गारंटी दो, तो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, अमित शाह अपने बयानों में, JP नड्डा अपने ट्विटर पर लिखकर लगातार कह रहे हैं MSP खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था वही होगी, किसानों को भरमाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन ये वो किसान हैं जो समझते हैं कि MSP की गारंटी नहीं देने का मतलब क्या है, और इन्हें शक, आशंका और डर है कि ये किसान, ये कानून इनके लिए मुसीबत बनकर आएगा। जी आप बताएं। अब और बता दें बात। हाँ, हमारा धान खरीदा जाता है। हाँ, पहले तो कांटा पटराली जड़ की डेढ़ किलो हमारा वहाँ कर्जा काट लेते हैं। हाँ, उसके बाद उसका रेट लगा दिया हमारा 1400 रुपये लिख दिया कि जे रेट है तुम्हारी फसल का, हमें पर्चा दे दिया। उसके बाद उनने गवर्नमेंटी रेट लगा के हमारे खाता पर पैसे वो चढ़ाएंगे। अभी आए नहीं, 2 महीना हो गए बेचे को, अभी पैसे नहीं आए। जो भी कहता थी हम 72 घंटे के अंदर पैसा दे देंगे। और रेट गवर्नमेंट का लिखेंगे, उसमें कितने लिखे गए, उसमें हमारी 3/4 क्विंटल की 36 क्विंटल का पैसा आया, 32 क्विंटल हमारे कहाँ गए। हम पाकिस्तान से आए हैं, कुछ नहीं लेके आए थे, सब कुछ वहाँ से वहाँ छोड़ आए थे, जी मरवा के आए हैं। और यहाँ में हम जब वहाँ वो लड़ाई कर सकते हैं तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं है, हम जाएंगे नहीं जितनी देर हमारा फैसला नहीं है। आपका शुभ नाम और कहाँ से आए हो आप? सलविंदर सिंह, लखीमपुर खीरी से आए हैं। तो आप लोग ओरिजिनली पाकिस्तान से आज़ादी के बाद विस्थापित? पंजाब में आए हैं। पंजाब में फिर यहाँ आए। यहाँ आए तो आपको पता है ना कि बहुत बदनाम भी किया जा रहा है इस आंदोलन को, कहा गया कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, बिचौलिए हैं, तो मंडी वाले लोग हैं, तो ये इनके पीछे कोई साजिश है। हाँ हाँ, मालूम है, ये बात सुन के अभी आए हम, तभी कल परसों के आए। तो आप किस चीज की खेती करते हैं? हम धान, गेहूं। कौन सा जिला बताया आपने? लखीमपुर खीरी से आए। तो ये अगर महीने दो महीने चला तो ये भले 6 महीने तक चले, कोई बात नहीं। तो ये बताइए, बहुत सारे और देखो राशन भरा ट्रालियों में, राशन लेके। अच्छा, राशन लेकर आए हैं। हाँ, ये किसान संघर्ष कमेटी है, 3 ट्रैक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें राशन है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चिंदर सिंह सिद्धू है। कहाँ से आप? लखीमपुर। सीतापुर से। सर हम लोग का क्या सब पता ही आपको बताने, सब मेरे भाइयों ने बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज देखिए, जब इतना ये कॉर्पोरेट खेती कर रहे हैं, ये सोचिए आज हमको आलू बोना है, आलू आज हमको बोना है और हमें 60-55 रुपए किलो मिल रहा है, और जब हमें बेचना होता है तब ये 10 रुपए किलो बिकता है, 10 रुपए 8 रुपए 6 रुपए जहाँ जैसी मंडी होती वैसे बिकता है। अब स्टोर कर लिया इन लोगों ने, बड़े लोगों ने। ये खाली किसान की दिक्कत नहीं है, हर हिंदुस्तानी की ये दिक्कत है। उस किसान से अगर सीधा मान लो ये MSP खत्म हो जाएगी, ये लोग स्टोर कर लेंगे, तो आज जैसे आलू 60 में मिल रहा है, कल 200 में मिलेगा, ये लोग लेके खाएंगे। आज जो लोग किसानों का घर बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कह रहे हैं ना, ये किसानों का आंदोलन है जी, बहुत अच्छा बिल है जी, बहुत अच्छा बिल, जिन लोगों ने कभी धनिया नहीं
गोया है वो अलग किसानों का बिल पास कर दिए है, जो वहाँ बैठे हैं अंदर संसद में 10-20 हमारे किसान लीडर बुलाते उनको पूछ के ये बिल पास करते, हमें तीनों कानून नहीं चाहिए। जब आप हमारे लिए खीर, हम आपके यहाँ मानो आप हम मेहमान भी नहीं आए, हम वहाँ बैठे हैं, आप हमारे लिए खीर लेके आयो काजू बादाम डाल के, लेकिन हमें नहीं चाहिए खीर भाई, हमारा पेट भरा हुआ, हमें नहीं आपकी खीर चाहिए, तो क्यों हमें खिलाना चाहते हो आप? हमें ये तीनों कानून ये वापस होने चाहिए, और ये नहीं वापस करना चाहते हो आप, खाली कहते हो जी MSP की गारंटी बनी रहेगी। अरे आज तो MSP है, तब क्यों नहीं हमें धान का रेट मिल रहा? देख लीजिए जाके हमारे यूपी की मंडियों में धान लेने वाला कोई नहीं, हम लोगों ने धरने करा के कुछ ट्रॉलियां बिकवाई, धरने करा के उसमें भी बिचौलिए किसानों से 200 रुपए ले रहे हैं, 300 रुपए ले रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शासन प्रशासन मिला हुआ है। सरकार ने वहां अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि चलो कांटे लगा दिए, हर ब्लॉक में कांटे लगाए हुए धान के लिए, किसान के लिए, लेकिन धान किसका बिक रहा है? बिचौलियों का बिक रहा है। उन बिचौलियों ने हमारे भोले भाले किसानों को भी फंसा लिया, अब नई स्कीम बना दी, वो स्कीम ये बना ली मिलरों से मिल लिया, और जिनके पास गन्ना लगा धान नहीं है उनको ये बताया भाई चलो हम तुम्हारा धान ले लेंगे, मंडी में बिक रहा है 900 में 1000 में, हम आपको जी 1100 दे देंगे, लेकिन आपको जी कागज देने पड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं, सरकार की नजरों में कागज भी ले लिया हमारे भोले भाले किसान को, उसको तो पता नहीं ना, उसको तो ये लगा मंडी से मेरा 100 रुपये ज्यादा बिक रहा है, चलो कोई बात नहीं मैं दे दूं, कागज भी किसान के ले लिए और धान उसका लिया 1100 में और 1800 का रेट भी ले लिया, 500 रुपया तो ये बिचौलिए अभी पहले खा रहे, जब MSP की गारंटी है, जब MSP की गारंटी नहीं रहेगी तब तो हम बर्बाद हो गए ना सर, हम किसके पास जाएंगे? ऊपर से ये कहते हैं SDM के ऊपर आप जा नहीं सकते, अरे भाई क्यों नहीं जा सकते, ऐसा कानून बनाया जाए MSP की गारंटी हो, अगर कोई हमारी फसल खरीदने वाला आरती बनिया जो भी है अगर हमारे पैसे नहीं देता है तो हम कहां जाएं, कम से कम कोर्ट में लड़ने वाले तो हो, हमारा किसान पहली बात तो लड़ाई चाहता नहीं, कहां लड़ पाएगा वो, उसके पास तो फसल बेचने का टाइम नहीं, वो तो बेचने कहाँ जाता है, डाल के आता है, बेचने जाए तो MSP की पूरी गारंटी लेने लेके आए, पूरा MSP पे रेट पे बेच के जाए, जो लोगों ने धान MSP पे बेचा है महीने महीने बाद उनकी ट्रॉलियां तुली है हमारे उत्तर प्रदेश में, महीने महीने बाद, एक एक महीने बाद उनकी ट्रॉलियां तुली है, और जब एक एक महीना नंबर आया, नंबर दिए, टोकन दिए, जब उनका नंबर आया तो उनका धान जी रिजेक्ट है, यदि आपका काला हो गया, यदि आपका लाल हो गया, अब आपको इसमें 400 रुपया 300 रुपया देना पड़ेगा तब तोलेंगे, इतने दुखी हो चुके हैं हम अपने बच्चों को छोड़ के, आज यहाँ सर्द में बैठे हुए हैं ना, ये जो मंत्री संतरी वहाँ बैठे हैं ना, एक दिन आके बैठे हम किसानों के साथ, फिर पास करेंगे बिल, फिर देखे हमें कितनी तकलीफ है, ये जो कहते हैं ना ये वहां से आके जी पंजाब के किसान है, हम यूपी के किसान है जी, यूपी के हम आपको झंडा गाड़ के बताएंगे, अब आपको तो पता नहीं था, अब यूपी वाले जाग गए, जय हिंद जय भारत, जाग जाओ सरकार। खुले आसमान के नीचे देख रहा हूँ कि रात में बहुत सारे लोग यहाँ पीछे सोए हैं, ऐसे आसमान के नीचे बिस्तर लगे हुए हैं। अच्छा, ये सर्दी में हम आप फसल पैदा कर सकते थे, सर्दी में बैठ के अपने हक भी ले सकते, हमने इससे मांगा थोड़ा है जो हमें दे रहा है, कह रहा है ये फायदा है, फायदे वाली चीज तो अपने पास रखो। इन्होंने बोला है कि काश्तकार जहां मर्जी अपनी फसल बेच सकता है, हाँ। ये बात बताओ कि काश्तकार पैदा करेगा या बेचने जाएगा, कौन बेचने जाएगा 10 क्विंटल धान? जो बड़ा आदमी है, हाँ, जो बड़ा आदमी है, बड़ा काश्तकार है, वो तो चलो सोच लो कि एक गाड़ी हुआ तो ले जाएगा, जिसके पास 10 क्विंटल है वो कहाँ ले जाएगा? आज तक इन्होंने कोई बिचौलिया पकड़ा हो जहाँ किसी के ऊपर केस चला हो, आज तक कोई बता दो। सबसे बद्दा कानून जहाँ का है कि जो एक काश्तकार हजारों रुपए की फसल बेचा आता है और उसको लोकल एक पर्चा दिया जाता है जिस पे ना किसी का सहन होता है, ना किसी को पकड़ने वाला होता है, ना कुछ होता है। आज तक मंडियों में यह बताए कि कोई जमींदार RR लेके अपनी फसल बेच के तुरंत RR मिलाओ किसी को। आपका क्या शुभ नाम है? मुख्तियार सिंह। आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर से। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, तो ये किसान जब 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 खेतों में काम करने का वक्त होता है जिससे उसका अनाज पैदा होता है, घर परिवार चलता है, अगर ऐसे 2-4 महीने चल गए तो फिर कैसे चल पाएंगे, कैसे चले? मजबूरी है, जब काश्तकार रात दिन मरता है, मेहनत करता है, तो फसल जो है हराम पट्टे में बिक रही है, कोई पैसा नहीं बन रहा है, तो आज वो मजबूरी के लिए रोडों पे मर रहा है, इससे बढ़िया हमको रोड पे मरना कुर्बानी देना मंजूर है, लेकिन नहीं, हमारा भगत निकल रहा है, क्या करें, 950 रुपये में धान बिके हैं, 900 रुपये में धान बिके हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? इसका मोदी साहब खुद ही खर्चा निकाल लें, क्या रेट खाद है, क्या रेट डीजल है, क्या खर्चा है, क्या मजदूरी है, तो कहाँ से क्या बचेगा? तो मोदी साहब तो कह रहे हैं कि किसानों को भड़का दिया गया है, अफवाह फैला दिया गया है। किसान भड़काया नहीं, किसान रो रहा है, किसान को 2 पैसे बच नहीं रहा है, एक एक करके किसान को कुछ बच नहीं रहा है, अब 950-900 रुपए में धान जो बेचेगा काश्तकार क्या बचाएगा वो? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? जो
हर साल 500-600 रुपए क्विंटल के दर में कम पैसा बांटते हैं किसान, वो कहाँ जाएगा? वो तो पैसा जो पैसे दो बचते वो देखा जाते हैं। किसने भड़का दिए? मोदी जी कह रहे हैं भड़का दिया, तो ये किसी के भड़काने पे आप लोग? हम किसी के भड़काने से नहीं आए, हम अपने पेट के लिए, हम भूखे मरेंगे तो भाई अपनी आगे की जमीन बचाने आए, अपनी जमीन बचाने आए, अपनी जमीन बचाने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? शामली से आए हैं जी। शामली? हाँ जी। ये बलविंदर सिंह जी हैं? गांव मनसूरा है जी, शामली जिला पड़ता है। शामली से आए? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मनसूरा गांव, शामली जिला। शामली जिला। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी को देखिए, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। 70 साल है। और बलदेव सिंह जी ऐसे यहाँ पर सुबह सुबह NH24 पर जो किसानों का जत्था है, उस जत्थे के साथ बलदेव सिंह जी हैं। तो आप कब आए यहाँ? परसों के आ रहे हैं जी। परसों आ गए? हाँ जी। तो कैसे इस ठंड में ऐसे महीने दो महीने आप यहाँ रह पाएंगे? ठंड नहीं लग रही। नहीं लग रही? खून गर्म हो रहा है, खून गर्म हो रहा है। ठंड नहीं लग रही जी, बिल्कुल नहीं ठंड लग रही। हमको तो करनाल में भी नहीं ठंड लगी थी। करनाल में धान बेचने के लिए गए थे, एक आया था मंत्री साहब, बोला मैं भाजपा का मंत्री हूँ। मैं कहा मैं भी यूपी का किसान हूँ। मैंने उनसे जो मेरे से बका हमने वहाँ से मंडी से बाहर निकाल दिया था। हम किसान जहाँ पर डर जाते हैं नहीं, कभी डरते नहीं। सरदार तो पहले भी नहीं कभी डरा, अभी तो हमारे साथ सब जात लग चुकी हैं, मुसलमान हिंदू जितने हैं सब हमारे साथ हैं। पहले तो सरदार अकेले नहीं डरता था, ये डरने वाली कौम नहीं है जी। हैं, धन्यवाद। है कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, कुछ ने बीजेपी के नेता बयान दे देते हैं, चीन पाकिस्तान तक की साजिश का हवाला दे चुके हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह बार बार कह ही रहे हैं कि उन्हें बहकाया जा रहा है, उनके पीछे नेता हैं। और ये देखिए, ये किसान वो किसान हैं जो यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए हैं, जो अपनी खेतों में फसल पैदा करते हैं, और इन्हें डर है, आशंका है कि सरकार के कानून के बाद इन्हें नुकसान होगा। MSP पर इनकी फसलें पहले भी नहीं बिकती है, और कौड़ियों के भाव औने पौने दाम में इन्हें अपनी फसलें बेचनी पड़ती है। अब लगता है कि इस कानून के बाद इनकी आशंका है कि बड़े कारोबारी सस्ती कीमतों पर इनकी फसल खरीदेंगे। कभी नहीं डरा था। ये 5वीं लड़ाई है हमारी। पहला हमारे डेरवे ने लड़ी, फिर हमारे दादियों ने लड़ी, अब हम लड़ रहे हैं, आगे हमारे बच्चे लड़ेंगे। ये ऐसी ना सरकार सुधरेगी, इनको सुधार के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताइए, मैं इससे अलग थोड़ा पूछता हूँ। हाँ जी। कि अगर ऐसे जैसे सड़क बंद करते हैं, हाँ जी, तो इससे जनता को परेशानी भी होती है? जनता को तो परेशानी होगी, तो फेरी तो सुनाई होगी। ये जनता को परेशानी होगी, परेशानी तो हमको भी है, कोई दुख सुख में जाते हैं, ठीक है, परेशानी तो हम गए, फिर ही पता लगेगा नहीं मोदी साहब को भी हाँ किसान कोई चीज है। दूध पानी बंद करो, फिर यह सरकार सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी। अभी तो सारा किसान नहीं लिकड़ा जी, ये सारा किसान एक बार सड़कों पे लिकड़ गया नहीं, मोदी साहब तो यहाँ बिल में छुपा है, अभी बाहर आ जाएगा। मैं पहला तो मोदी साहब ने ऐसे हाथ ला दिया था, किसान जहाँ से वहाँ पर मर्जी बेचो। चलिए, आज ऐसे हालात हो गए हैं कि आज हम यहाँ सड़कों पे आए, ये हमारे लिए कोई बड़ी अच्छी बात थोड़ी है। हम खुश हो गए थोड़े यहाँ पे सड़कों पे आए हैं। ये किसान आज अगर सड़कों पे है दुखी होके आया है। लेकिन वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं वो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है जी? जो हम मांग रहे हैं वो चीज हमें दीजिए। किसानों के बीच में बैठ के उसके संतुलन कीजिए कि ये चीज हमें जरूरत है, हमें जबरदस्ती चीजें क्यों दी जा रही है? हमें कोई भैंस गाय दो जिसका हम दूध बेच के अपनी खेती करें, कोई और चीजें दो जिसके लिए खजान का कोई फायदा हो सके। जबरदस्ती देने का चीज फायदा ही क्या है जी? बाकी मैं अभी मुंह धो लूं, बाकी और 10 मिनट लगा लूं, अभी मेरे को थोड़ा सेट होना है। मैं चला गया था। क्या शुभ नाम है आपका? सिकंदर सिंह विरक साहब। कहाँ से आए आप? जिला शाहजहांपुर बंडा। शाहजहांपुर, चलिए। ये बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसानों के लिए, के भले के लिए। अब इनका कह रहा है हमारा भला मत करो, हमें नहीं चाहिए ये भला, तो जबरदस्ती क्यों कानून बना रहे हो? यही बहुत सारे किसान। कानून किसके लिए बनाया? कानून बात समझने की है, कानून किसके लिए बनाया? आपके लिए बनाया? हमारे लिए नहीं बनाया। अगर हमारे लिए कानून बनाना है, ये मोदी जी कहते हैं, नहीं मोदी जी कहो या कोई भी कहो, हमारे लिए यदि कानून बनाना है MSP निर्धारित कर दीजिए। एक लाइन की बात है। MSP निर्धारण से क्या होगा?
आज किसान अनपढ़ नहीं है, मजबूर जरूर है लेकिन दिमाग से पैदल नहीं है। MSP निर्धारण से ये होगा कि अगर गेहूं का मूल्य 2000 रुपये होगा तो किसान को ये पता होगा अगर तेरी फसल हल्की भी होगी तो कम से कम जो तूने लागत लगाई वो तुझे रिटर्न मिल जाएगी। MSP निर्धारण से ये फायदा किसान को होगा। अब फायदा किसको जा रहा है? फायदा जा रहा है बिचौलिए को, सीधा सीधा बिचौलिए को फायदा जा रहा है, दो बिचौलिए को फायदा जा रहा है। धान 1100 रुपये बिका, उसका जो रेट है वो 1888 रुपये है, मंडी वालों ने वो खरीदा 700-800 रुपये उन्हें कमा लिए। उसके बाद जो भंडारण वाला है, छोटे किसान हम भंडारण कैसे कर देंगे? हमारे भैंसों के ऊपर तो तिरपाल नहीं है। तो अब तो मोदी जी कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि आप काशीपुर में रहते हो, बाजपुर में रहते हो, शामली में रहते हो, आप पंजाब में बेचो, हरियाणा में बेचो, बंबई में बेचो, पूरे देश में जहां मर्जी जाके बेचो। लेगा कौन? लेने वाला कौन है? वो लेने वाला कौन है? पंजाब, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, वो लेने वाला कौन है? वो लेने वाले का एड्रेस बताओ आप, वो लेने वाले का एड्रेस बताओ आप हमें। अरे सरकार जिस जो क्रय केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं, जो दो एकड़ का किसान जो है मात्र उसने 30 क्विंटल गेहूं पैदा किया, 30 क्विंटल गेहूं को 10 क्विंटल उसने अपने 20 क्विंटल को क्या करनाल बेचने जाएगा? इतने दूर इतना तो खर्चा उसका आ जाएगा बाबा, समझे? इसलिए समर्थन मूल्य से कम पे जो सरकार का रेट है उससे कोई भी बिचौलिया उससे कम पे ना खरीदे, हमारी मांग ये जरूरी है, इसको कानून में जोड़ा जाए। मोदी है की कभी बम्बे चला गया तो कभी अमेरिका में चला गया तो कभी कनेडा में चला गया, किसान का 20 किलो धान जो है वो बेच के अपना खाद ला के गुजारा कर रहा है। 270 रुपए की यूरिया की बोरी है, उसमें 50 रुपए की पहले इंतखाब लगाइए तब जाके आपको मिलेगी। बेंत सिंह के राज में 1100-1150 को मूंजी बिकी है, 1100-1100, अब 1200 को भी ना बिक रही। हम आदमी सड़क पे और क्या करें, बाल को तो भूखे मरे है, जो बेच दियो पैसे ना मेरे, गेहूं ऐसी बोई है किसी को खाद मिला किसी को मिला ना। तो लेकिन ये तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि आप कहीं भी, अरे मोदी जी को तो जहाज में बैठा, अच्छा कई करोड़ का जहाज में जा रहा, वो कह रहे हैं कि कहीं भी देश में बेच लो। अरे कहाँ, हमें कोई ना देने का, कहाँ लेके जाएंगे हम? उतने तक कराया उतने के तरफ लेंगे ही फट जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि आप मान लो काशीपुर में, बाजपुर में, शाहजहां में, क्या नाम हो आपका? कर्मजीत। कहाँ रहते हैं आप? हम अमरोहा, अमरोहा में हो। तो अब ये कानून में आपको ये मिलेगा इसका, इसकी अनुमति, परमिशन कि आप अमरोहा से सीधे आप महाराष्ट्र में जाके बेच लो, नासिक में बेचो, पंजाब में बेचो, तो ट्रक वाले ले जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें तो साथ जाने की जरूरत ही ना, वो तो ट्रक वाले पैसे ले लेगा किराया। तो मतलब लगता है कि ये जो ओपन मार्केट और ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये हम तो जब तक अड़ेंगे कोई हमारी खालिस्तान की मांग ना, कोई ना, पूरे हिंदू है, मुसलमान भी है, सभी जात तक जो किसान है वो किसान ही है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी है, वो किसान है। हम इस चीज का पूरा बैठेंगे अड़ेंगे, चाहे हम केवल भड़काया जा रहा है, पूरा सीज कट जावे हमारा, यहाँ भूखे मर जाए, रोड पे मर जाए, हम अपना और रेट पूरा सही लेंगे, सरकार को हमारी फसल खरीदनी पड़ेगी। कब तक करेंगे आप? हम चाहे 4 साल लग जाए यार, हम जाने गई ना, हमने क्या करना चाहे, घर तो कुछ है ही ना, जब तक MSP निर्धारित नहीं होती हम जाने गई ना। हमारा पक्का रहता है, हमारे सारे किसानों का हो गया, ये झूठे आज कहते हैं खालिस्तान मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, झूठ बात कर रहे हैं सब। हमारे अपने फसलों के दाम गवर्नमेंट खरीदे, अच्छे मिले, ठीक मिले, फिर वो ठीक है हमें। तीन जो सिस्टम कानून जो बनाए सरकार ने, वो किसी राज्य की सहमति ली क्या? किसी राज्य की कोई सहमति नहीं ली तीनों कानून बनाने में, किसी किसान संगठन की कोई सहमति नहीं ली। ये कहते हैं विशेषज्ञ ने बना दिए, विशेषज्ञ कहाँ से आए इनके पास में? विशेषज्ञ यहाँ बैठे फ्लाई ओवर के नीचे, कुछ फ्लाई ओवर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, इन पे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इनके पास विशेषज्ञ नहीं है। कि आज की डेट में गेहूं का रेट क्या है? जब 1 रुपए में गेहूं था उस टाइम डीजल का क्या रेट था? जब 1 रुपए में गेहूं या धान था उस टाइम सोने का क्या रेट था? वो हमें भी बताइए। किसान का बेटा, क्या आप यही चाह रहे हो कि किसान का बेटा हल जोत जाए और मरता रह जाए, उसके हाथ में कुछ ना आए? क्या किसान का रेट बढ़ाने में बहुत तकलीफें हो रही है? जब दूसरी चीज का रेट कोई भी बढ़ता है, डीजल का बढ़ता है, पेट्रोल का बढ़ता है, सोने का बढ़ता है, और बहुत सी चीजें ऐसी है
जो किसान भी यूज करता है, ऐसा नहीं कि किसान वो चीजें यूज नहीं करता है, लेकिन भले वो ब्याज से पैसा ठा के लेके आए, उसको धान का पैसा नहीं मिला है तो भी वो डीजल ले रहा है, अपना खेत जोतना है, उसे सब कुछ चाहिए, किसान को भी चाहिए जी। लेकिन ये चीजें क्यों नहीं देखी जा रही? किसान का एक रेट ही देखा जा रहा है कि गेहूं का रेट है जी, धान का रेट है, कहाँ है? आज 900 रुपए में, 1100 रुपए में, 1000 रुपए में हम धान बेच के कहाँ चले जाएंगे? ये 10 रुपए में डीजल दे दें हमें भी तो। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने 2000 रुपया हर 3-4 महीने पे देते हैं, साल में 6000 देते हैं, फसल बीमा किसान हमें 2000 रुपए की जरूरत नहीं, अगर जो लिए है हमसे तो उसमें ब्याज समेत हमसे वापस ले ले, हमें 2000 रुपया नहीं चाहिए। 6000 रुपए पिछली बार वो सही किया, 2000 रुपए दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, फसल बीमा तो बहुत बड़ा किसान के साथ धोखा है। ये फसल बीमा ही कंपनियां जो किसानों को लूट रही हैं, किसान को बीमा देती नहीं है, क्लेम के वहां टोल फ्री नंबर पे करो, टोल फ्री नंबर बंद होता है, हर किसान इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये बीमा धोखा है। नरेश प्रताप सिंह, मुंडा पांडे, मुरादाबाद। मुरादाबाद के